भारत वर्सेस इंग्लैंड के बीच खेली जा रही 5 टेस्ट मैचों की श्रृंखला का पहला मैच जो कि हैदराबाद में खेला गया था, उस पर इंग्लैंड की टीम ने 28 रनों से वो मैच जीत लिया था। इंग्लैंड के मैच जीतने के बाद इंग्लिश टीम के पूर्व खिलाड़ी इंग्लैंड टीम के कसीदे पढ़ते नहीं थक रहे हैं। वो इतनी ज़्यादा तारीफ कर रहे हैं इंग्लैंड टीम की कि उन्होंने इसकी तुलना पिछले 2 साल में इंग्लैंड के जीते हुए मैचों में सबसे बेहतरीन जीत भारत के खिलाफ भारत में ही हासिल की गई जीत को करार दिया है। इंग्लैंड के पूर्व खिलाड़ियों का कहना है कि भारत को भारत में हराना एक अपने आप में उपलब्धि है। इस उपलब्धि में इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन ने एक टिप्पणी की है। माइकल वॉन का कहना है कि कप्तान रोहित शर्मा फील्ड में पूरी तरह से स्विच ऑफ हो गए थे, उन्हें नहीं पता था कि किस तरह से कप्तानी की जाए। इस पूर्व इंग्लिश खिलाड़ी का ये भी मानना है कि अगर कप्तानी विराट कोहली कर रहे होते तो शायद भारतीय टीम ये मैच जीत जाती, क्योंकि कप्तान रोहित शर्मा को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि किस तरह से कप्तानी की जाए। इस पूर्व खिलाड़ी का मानना है कि कप्तान रोहित शर्मा बहुत लूज कैप्टेंसी कर रहे थे, क्योंकि ना उन्होंने सही से बॉलर्स को रोटेट किया और ना ही सही फील्ड प्लेसमेंट। उन्होंने कहा कि इंडियन क्रिकेट टीम अब लंबे समय तक विराट कोहली के कप्तानी और अग्रेशन को मिस करेगी। उनका मानना है कि अगर इस जगह पर रोहित शर्मा की जगह विराट कप्तान होते तो नतीजा कुछ और निकल कर आता, क्योंकि जिस तरह का रिवर्स स्वीप और स्विच हिट ओली पोप खेल रहे थे उसके लिए रोहित शर्मा के पास कोई जवाब नहीं था। वहीं विराट कोहली अलग फील्ड प्लेसमेंट करके जल्द से ओली पोप को आउट करा देते। इतना ही नहीं, अगर कोहली की कप्तानी में ये मैच होता तो इंग्लैंड टीम ज़्यादा दबाव महसूस करती एज कम्पेयर टू रोहित शर्मा की कप्तानी में। आपको बता दें कि हैदराबाद में खेले गए पहले टेस्ट मैच में इंग्लैंड की टीम ने वो मैच 28 रनों से जीत लिया था, जबकि भारतीय टीम 190 रनों की पहली पारी में बढ़त ले चुकी थी। वहीं रोहित शर्मा की कप्तानी में पिछले 3 में से भारतीय टीम एक भी मैच इंडियन सरजमी पर नहीं जीत पाई है। ऐसी ही विशेष जानकारियों के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।